अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और आप सब की दुआओं से ठीक ठाक हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हुंडई सेंट्रो 2004 मॉडल गाड़ी के बारे में है। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बैल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के मॉडल की बात करता हूं तो ये गाड़ी 2004 मॉडल है। 2004 के नंबर से रजिस्टर करवाई गई है, जो कि कराची के नंबर से रजिस्टर करवाई गई है। इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिकली काम नहीं है जो आपको करवाना पड़े। जस्ट आपने इस गाड़ी को बाय करना है और ड्राइव करना शुरू कर देनी है। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करता हूं तो इंटीरियर वाइज गाड़ी नीट एंड क्लीन है, एक्सटीरियर वाइज भी गाड़ी नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। मैकेनिकली ये गाड़ी किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं मांगती। जस्ट आपने इस गाड़ी को बाय करना है और ड्राइव करना शुरू कर देनी है। अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करता हूँ तो इंटीरियर वाइज गाड़ी साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलती है। गाड़ी के डोर्स अंदर और बाहर दोनों जानब से नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। गाड़ी के तमाम सेंसर अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। अगर गाड़ी के कलर की बात करता हूं तो ये गाड़ी सिल्वर कलर में मौजूद है। मालिक ने इस गाड़ी को कुछ मॉडिफाई भी करवाया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर गाड़ी के टायरों की बात की जाए तो गाड़ी के टायर्स तकरीबन 100% नीट एंड क्लीन देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी का इंजन भी 100% नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाता है। गाड़ी के इंजन में किसी भी किस्म का कोई मसला देखने को नज़र नहीं आता और ना ही ये गाड़ी एक्सीडेंटल है। ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन हालत में देखने को मिलती है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं मालिक का नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप बआसानी ये गाड़ी बाय कर सकें। गाड़ी की सीट्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। गाड़ी के टायर्स भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है और जेन्युइन कंडीशन में मौजूद हैं। गाड़ी की सीट्स की न्यू पोशिंग आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी का कलर बहुत आउट क्लास है और जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी के मीटर्स भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। गाड़ी में LCD भी इंस्टॉल्ड है। इस गाड़ी में ख़ास बात यह है कि ये गाड़ी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी देती है। और अगर इस गाड़ी की लोकेशन की बात करता हूँ तो ये गाड़ी इस वक्त लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस लिंक के ज़रिए इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये गाड़ी फुल जेन्युइन हालत में देखने को मिल रही है। गाड़ी का इंजन भी नीट एंड क्लीन है। गाड़ी किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिकली काम नहीं मांगती। गाड़ी में न्यू बैटरी भी इंस्टॉल करवाई गई है। गाड़ी की हेडलाइट्स बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। गाड़ी का बोनट भी नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी के बोनट में किसी भी किस्म का कोई मसला देखने को नज़र नहीं आता और यह गाड़ी अपनी जेन्युइन कंडीशन में देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है जो आपको करवाना पड़े। जस्ट आपने इस गाड़ी को बाय करना है और ड्राइव करना शुरू कर देनी है। गाड़ी के इंजन में किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं है। गाड़ी के इंजन की सस्पेंशन भी 100% ओके है। गाड़ी का AC और हीटर अपनी वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं। गाड़ी के AC और हीटर में भी किसी भी किस्म का कोई मसला देखने को नज़र नहीं आता। गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। गाड़ी का स्टीयरिंग साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलता है। गाड़ी के बॉडी वाइज बात की जाए तो गाड़ी की बॉडी भी इंतहाई साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलती है। गाड़ी की बॉडी में भी किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।